नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आगामी पेराई सत्र 2021-22 के लिए यूपी गन्ना विभाग ने सर्वेक्षण नीति की घोषणा कर दी है, जिसमें कोरोना को देखते हुए किसानों को एक घोषणा पत्र भरना होगा और यह घोषणा पत्र उन्हें कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर ही भरना होगा, जिसमें जमीन की फर्द, आधार कार्ड या बैंक पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी गाटा संख्या कितनी है, गन्ना पौधा कितना है, गन्ना पीढ़ी कितनी है और वैरायटी कौन सी है, ऐसी ही जानकारियां आपको उसमें भरनी होगी और उसे सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको गन्ना सुपरवाइज़र आपके पास आएगा, आपके गन्ना खेत का सर्वे करेगा और जिन किसानों का घोषणा पत्र इस कंप्यूटर पर या मोबाइल नंबर पर भरा नहीं होगा उनका सर्वे नहीं होगा। यानी कि जो पहले साल आपने देखा होगा कि जो सर्वे करने के लिए गन्ना सुपरवाइज़र आता था, यदि आपका ये काम नहीं होगा तो आपका सर्वे भी नहीं होगा, ऐसा यूपी गन्ना विभाग ने निर्देश दिया है। यह घोषणा पत्र आपको अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर कैसे भरना है, इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे ई4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। इसमें सबसे पहले आपको अपने गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको canup.in को भर देना है। इसके बाद जब आप इसे ओके करेंगे तो नीचे लिखा होगा canup इंक्वायरी, इसको आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपका एक ये ऐसी तरीके से पेज खुलेगा और इसमें आपको जो ये कलर में दिखाई दे रहा है इस पर आप उंगली मारेंगे तो इसमें जो भी संख्या है इसके सामने जो सफ़ेद वाला बॉक्स है इसमें आपको ये भरना है। तो इसमें लिखा हुआ है, जो भी लिखा है इसमें आपको भर देना है। जैसे कि मैं भर रहा हूँ, इसमें इसी तरीके से आपको ये भर देना है, T9KX1Y। तो ये आपको इसके इसमें भर देना है और भरने के बाद में इसके जो नीचे कलर में लिखा हुआ है इसको दबा देना है। इस तरीके से ये अगला पेज खुल जाएगा और सबसे पहले इसमें आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर उंगली मारनी है और इसमें ये डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो वो इसमें आप अपना ओके कर दीजिए। ये काम शायद आपने पहले भी किया होगा जब ये आप इसको खोलते होंगे। अगली है फैक्ट्री, आपको फैक्ट्री का चुनाव करना है। नीचे है या तो कोड से विलेज भर लीजिए या नीचे विलेज का है उस पर आप ओके कर दीजिए तो आपके विलेज आ जाएंगे, जो भी विलेज आपका हो उस पर आप ओके कर दीजिए। ओके करते ही ये आपका भर जाएगा और नीचे जो लास्ट का खाना है उसमें सेलेक्ट ग्रोवर, यानी कि जो भी आपका नाम है उसमें पिताजी का भी नाम होगा और कोड भी होगा, तो ये देखकर जो भी आपका हो उस पर आप सेलेक्ट कर दीजिए। इस तरीके से ये आ जाएगा, थोड़ी देर आप इंतज़ार कीजिए, जब ये ऑटोमेटिक चला जाएगा यहाँ से जो लिखा आ रहा है, तो ऊपर लिखा है एंटर, उस पर आपको उंगली मारनी है और जैसे ही आप उस पर उंगली मारोगे तो ये आपका फॉर्म खुल जाएगा जो आपको भरना है। इसमें आपकी पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल इसमें आपको देखने के बाद जब आपकी खुल जाएगी, नीचे जो लिखा है इसमें, इसमें या तो आपका आधार कार्ड हो या बैंक की पासबुक हो, वो आईडी इसमें भरनी है जैसा लिखा है इसमें, तो आधार कार्ड पे भरना है या बैंक अकाउंट नंबर उस पे आप ओके कर दीजिए। और इसमें देखिए जो इसमें लिखा है एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, यानी कि जो भी आधार कार्ड हो या आपकी बैंक पासबुक हो उसके लास्ट के 4 अक्षर आपको भरने हैं। अब मैं आपको ये आगे भरकर नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ये बता दूंगा कि इस फार्म में आपको क्या क्या भरना है, क्योंकि ये किसी के नाम का है तो ऐसे में इसको पूरा भरकर नहीं दिखा सकता, लेकिन जो इसमें डिटेल आ रही है बस वही आपको भरनी है, जो जो आपको उसमें बता रहा है। ये जो मैंने आपको कैमरा दिखाया है कि इस पे जब ये उसकी आइडेंटिटी मांगेगा तो ये कैमरा आ जाएगा और कैमरे को आप ओके कर दीजिए, यानी कि जो आधार कार्ड है या पासबुक है उसका आपको फ़ोटो खींचना है कुछ इस तरीके से, और इसे आप खींचने के बाद में ओके का इसमें सिग्नल आ जाएगा तो वो उसके वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो आगे देख रहे हैं आप इसमें, इसमें आप जो भी है इसमें, फिर इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, इससे ऊपर मजरा है, फिर ब्लॉक है, पोस्ट ऑफिस है, तो ये सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको। एंटर करके तहसील आ गई आपकी, आप कितने साल से इसमें मेंबर हैं, फिर पुलिस स्टेशन है,
किसान भाइयों, ये भरने के बाद आपको सबमिट को ओके कर देना है। इसके बाद जो अगला पेपर खुलेगा वो लैंड डिटेल का खुलेगा। इसमें जो पहला है वो है प्लॉट विलेज, यानी कि जो आपका गन्ना खेत है वो किस गांव में है उसे भरना है। अगला फिर आपका इसमें खसरा नंबर है वो भरना है। इसके आगे आप फिर गाटा नंबर होता है वो भरना होता है। इसके बाद जो गाटा एरिया है वो भी भरना होगा। शेयर परसेंटेज कितना है, शेयर एरिया कौन सा है, तो ये सब कुछ आपको भरना है। अगला जो है वो कैन एरिया है वो भी आपको भरना है, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद में वैरायटी का ऑप्शन आता है आपके पास, वैरायटी कौन सी है, कौन सा गन्ना आपने लगा रखा है, ये भी आपको भरना है। 0238 है या 18 है, जो भी है वो आपको भरना है। और लास्ट में जो है वो उसमें कैटेगरी है, कैटेगरी में आपको गन्ना पौधा है या पेड़ी है, ये सब कुछ उसमें भरना है और सबमिट कर देना है। तो ये काम करने के बाद में जब आप कर देते हो तो आपका फार्म पूरा हो जाता है और आपका जो गन्ना विभाग ने निर्देश दिया है वो काम आपका पूरा हो जाता है। किसान भाइयों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये किसानों के लिए एक सिरदर्दी है, लेकिन जैसा कि गन्ना विभाग फिलहाल कह रहा है ये आपको काम करना होगा। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।